उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, डेढ़ साल के अंदर योगी ने उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिया है। सात सात बच्चे ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में मर जाते हैं, और कहा जाता है कि अगस्त के महीने में तो बच्चों की मौत होती है। छह साल की, दस साल की, बारह साल की बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो गए हैं। फर्जी इनकाउंटर के नाम पर निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश को जंगल राज पे तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी की सरकार ने कर रखा है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ना है और संघर्ष करना है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की आवाज को खामोश कराने वाले शत्रुघ्न सिन्हा साहब, भाई कुमार सिन्हा जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उनका कहना है मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले भारत की जनता का हूं, भारत की जनता का। इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश आप लोगों को देना है। मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव लाना है, अगर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर झाड़ू चलाना होगा, मोदी की नीतियों पर, योगी की नीतियों पर झाड़ू चलाना होगा। और गांव गांव में, घर घर में जाकर आपको बताना पड़ेगा, एक ऐसी सरकार आपकी चल रही है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने बिजली का दाम आधा किया, पानी मुक्त करने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। कल संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने आकर अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, इन आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। एक ऐसी सरकार जिसने पांच फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एथलीट ग्राउंड बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो बीवी का गहना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की सरकार 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली के लाखों को पढ़ाई के लिए देती है। एक ऐसी सरकार जिसने विधवा का पेंशन दोगुना किया, वृद्धा का पेंशन दोगुना किया, विकलांग का पेंशन दोगुना किया, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुनी की, आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुनी की, जिसने किसानों को हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, और जिस सरकार ने 1 करोड़ रुपए की समस्त सम्मान राशि जवान की शहादत पर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को, जय जवान जय किसान के नारे को अगर किसी ने जमीन पर सच करके दिखाया है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसलिए अगर दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव हम कर चुके हैं, करके हमने दिखाया है, और उत्तर प्रदेश में बदलाव हम चाहते हैं, पूरे देश में अगर हमें बदलाव चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा, झाड़ू वालों को लाना होगा, इन टोपी वालों को लाना होगा। वरना तो इस समय देश में जुमलों की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक फेल नीति, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पे, नोटबंदी करके 150 लोगों को मार दिया, जीएसटी लागू करके व्यापारी को मार दिया, और डॉलर का दाम 72 रुपए हो गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, और आपको मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा की दुकान लगाओ और रोजगार करो। अगर आप लोग चेते नहीं, अगर आप लोग समझे नहीं, अगर आपको होश नहीं आया, अगर आपने जाति और धर्म के नशे को मिटाया नहीं, तो 2019 के चुनाव में मोदी जी आएंगे और कहेंगे भाइयों और बहनों भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है, बोलेंगे भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है,
आप सबके हाथ में कटोरा पकड़ाने की तैयारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसकी नीतियां कर रही है। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन और विनती करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी का साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, हाथों में झाड़ू लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए।